दोस्तों, इम्यून सिस्टम, आजकल सभी लोग बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़रूरी एक शक्ति जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम एक ऐसी चीज़ जिसमें शरीर अपने आप को खुद ठीक करना जानता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन लोगों के साथ ही बीमारियां, परेशानियां बार बार आती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, शरीर अपने आप को ठीक नहीं कर पाता। और दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम हम सभी लोगों को और बेटर और जितना बेटर कर सके करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनकी मदद से आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, इस तरह की चीज़ें, या जिसको एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, डेली अगर आप एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिला के पिए तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार की जाती है योगा के अंदर, उससे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हल्दी वाला दूध पीने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक क्रिस्टल भी होता है जिसको कहते हैं लैपिस लजूली। इस लैपिस लजूली क्रिस्टल के वजह से बहुत से फ़ायदे हैं, मगर ये आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी करने में आपको मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो बीमारी पहली बात तो आएगी नहीं, आएगी तो शरीर खुद उस बीमारी को खा जाएगा, मार देगा, भगा देगा। तो अगर आप भी अपना इम्यून सिस्टम हेल्दी करना चाहते हो तो अदरक का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, अनार खाएं अपने खाने में, अनार का जूस आप पी सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो सकता है, और लैपिस लजूली भी। दोस्तों, आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और कमेंट करें अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है या आप करना चाहते हैं या और इस बारे में जानना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहें, आध्यात्मिक विकास मिशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाएं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी का इम्यून सिस्टम हेल्दी हो और हम बीमारियों से बचे रहें। धन्यवाद।